कर्नाटक के दौरे पर तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे ही थे, लेकिन दौरा खत्म होने के बाद भी उनके ताबड़तोड़ वार जारी हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ वीडियो वॉर छेड़ दी है। राहुल ने वीडियो ट्वीट कर दागी उम्मीदवारों को लेकर पीएम मोदी पर सवालों के तीर छोड़े और पूछा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं लेकिन फिर उन्हें ही टिकट देते हैं, ऐसा क्यों? कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर पहुंच गया है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। जहां पीएम मोदी कर्नाटक में शब्दों के बाढ़ छोड़ रहे हैं, तो राहुल ने भी ट्विटर पर मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने रेड्डी बंधुओं को टिकट देने पर आज वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर सवालों के तीर छोड़े। उन्होंने ट्वीट पर जारी वीडियो में सवाल किया कि प्रिय मोदी जी, आप बहुत बातें करते हैं, समस्या यह है कि आपकी कथनी और करनी में मेल नहीं है। वीडियो का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उम्मीदवारों के आपके चयन की एक वानगी प्रस्तुत है। यह कर्नाटक के मोस्ट वांटेड लोगों के एपिसोड जैसा लगता है। राहुल की तरफ से जारी वीडियो में रेड्डी बंधुओं, भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा सहित कुल 11 नेताओं का जिक्र किया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार और अपराध के मामले दर्ज हैं। वीडियो में सवाल किया गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने पर भूलेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर जमकर वार कर रही है। रेड्डी बंधुओं को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को और मौका दे दिया, जिसे लेकर आज राहुल ने पीएम मोदी को ही घेर लिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।